أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुफिन नफा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल. दोस्तों, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास चल रही है और आज की क्लास क्लास हमारी 30 है. दोस्तों, आप लोगों का बखूबी इलम है कि ये हमारा जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल 10 चल रहा है. दोस्तों, ये मॉड्यूल हमारा फिक्स्ड एसेट और उनकी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है. दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमारी जो क्लास का टॉपिक है वो है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड. ही इज द वन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट. दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोग जो है अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें, जिसके ऊपर आपने क्लास 29 के अंदर इख्तिताम के ऊपर मैंने जो आपको एक्सरसाइज दी थी, जो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व किया, क्योंकि अगली स्लाइड के ऊपर मैं आपको इस एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है वो दिखाने वाला हूं. और यहां पे देखें, आपको फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन 30 बार, सेकंड ईयर की 25 बार 500, थर्ड ईयर की 21 बार 675, फोर्थ ईयर की 18 बार 423, फिफ्थ ईयर की 15 बार 660 और सिक्स्थ ईयर की 13 बार 311 और आखिरी साल की जो है 11 बार 314 जो है वो डेप्रिसिएशन नजर आ रही है. दोस्तों, आप इसको अपने सोल्यूशन के साथ कंपेयर कर लें और अगर आपने कहीं कोई गलती की है तो वो भी आप करेक्ट कर लें. दोस्तों, अगर जो एक्सरसाइजेस मैं आप लोगों को हर लेक्चर के इख्तिताम पे दे रहा हूं वो आप खुद से सॉल्व करते जा रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की समझ भी आ रही होगी. अब तो बल्कि आप दूसरे लोगों को भी कहना शुरू हो गए होंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक खूबसूरत सब्जेक्ट है, अगर इसको सीख लिया जाए तो आप जो है वो फुल मार्क्स जो है और 95 तक जो है, बल्कि 98 तक मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये भी लाइक मैथमेटिक्स है और इसके अंदर जस्ट कैलकुलेशन भी है, प्लस माइनस करना है चीजों को, या हमारे जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है और मल्टीप्लीकेशन है, सिर्फ इन्हीं की गेम है. पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्हीं के गिर्द घूमती है और वही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं. बढ़ते हम आज की क्लास की जानिब और हम जो है आज की क्लास के अंदर जो है पढ़ने वाले हैं अपना जो तीसरा डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का मेथड है, जिसको हम सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड कहते हैं, उसको पढ़ने वाले हैं. दोस्तों, अगली स्लाइड जो है ये वही स्लाइड है जो मैंने आपको बताया था कि 4 से 5 जो लेक्चर हैं वो हम इसको बार बार देखते रहेंगे. तो दोस्तों, आज हम तीसरा मेथड पढ़ रहे हैं, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड. इसको हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हम लोग करते क्या हैं. अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ ईयर डिजिट, कि हम जो हमें ईयर दिए जाते हैं हम उनका सम करते हैं और उसकी बेस के ऊपर जो है हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं और फिर उसको प्लस माइनस करते हैं. वो हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि है डेप्रिसिएबल अमाउंट. डेप्रिसिएबल अमाउंट के बारे में मैं आप लोगों को पहले विद इन डिटेल बता चुका हूं हमारी 27 क्लास के अंदर. सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड और सम ऑफ ईयर डिजिट हम लोग यहां पे लेंगे. अब हम ये कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसके लिए हमें जो है एक एग्जाम्पल, एक मिसाल का सहारा लेना पड़ेगा. अगली स्लाइड के ऊपर जो है एग्जाम्पल आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है. अ मशीन कॉस्टिंग 80,000, मशीन जो है उसकी कॉस्ट 80,000 है. रेविड्यूअल वैल्यू 2,000, 2,000 उसकी रेविड्यूअल वैल्यू है. विद 4 ईयर यूजफुल लाइफ, उसकी जो लाइफ है वो 4 साल है. कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ फिफ्थ ईयर यूजिंग सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड. हमने जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमने जो मेथड यूज करना है वो वही हमने सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड यूज करना है. दोस्तों, इस मेथड को यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम नॉर्मली करते क्या हैं. हम सबसे पहले पहले साल की कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास 3 साल बाकी रह जाती हैं. उसके बाद हम फिर जब हम पहले साल की कैलकुलेट, फिर हम दूसरे साल की करते हैं, हमारे पास 2 साल बाकी रह जाएंगे. फिर हम तीसरे साल की करेंगे,
हमारे पास एक साल बाकी रह जाएगा। इसी तरह हम सबसे पहले अगर फोर्थ ईयर को लें तो हमारे पास जो है वो 0 ईयर, फिर थर्ड ईयर को लें तो हमारे पास बाकी जो है वो 3 ईयर बच जाएंगे। इसी तरह 2 ईयर लेंगे तो 2 ईयर बच जाएंगे। तो इसी तरह जो है हमने हर साल की जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अब इसमें सम ऑफ ईयर से क्या मुराद है ये अभी थोड़ी देर में आपको पता चलने वाला है जब मैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करूंगा। तो हम इसके सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। तो इसका हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि हमने सबसे पहले डेप्रिसिएबल अमाउंट और डिवाइडेड बाय हमारा सम ऑफ ईयर डिजिट। तो हम जो है सबसे पहले डेप्रिसिएबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, उसका जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो हमारी यहाँ पे देखें 80,000 जो है वो कॉस्ट है, माइनस 2,000 जो है हमारी रेजिडुअल वैल्यू है, तो 78,000 जो है वो हमारी डेप्रिसिएबल अमाउंट है। अब हमने सम ऑफ ईयर डिजिट यानी कि हमारे पास 4 ईयर फुल लाइफ है, अब इसके अंदर कितने डिजिट आते हैं तो यहां पे देखें 4 प्लस फोर्थ ईयर की कैलकुलेट करेंगे तो 3 ईयर हमारे पास बच जाएंगे, 3 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। अगर यहां पे आपके पास 7 ईयर हो तो 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 और ऑनवर्ड। अगर आपके पास 20 ईयर है तो 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 17 और इसी तरह ऑनवर्ड। अब हमारे पास जो है वो 4 ईयर है तो 4 प्लस, मतलब हम एक एक साल की कैलकुलेट करते जाएंगे। फोर्थ ईयर पे हम पहले साल की कैलकुलेट करेंगे, थर्ड ईयर पे दूसरे साल की, सेकेंड ईयर पे थर्ड साल की। तो हमने 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इनको जब हमने सम अप किया हमारे पास 10 बन गया। तो ये बेसिकली हमने ईयर को जो है वो सम किया तो हमारे पास एक डिजिट आ गया जो कि 10 है। अब हम डेप्रिसिएबल अमाउंट को डिवाइड करेंगे 10 के साथ जो कि हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के अंदर हम यूज करते हैं। वो हमारा फॉर्मूला है डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय हमारा जो सम ऑफ ईयर डिजिट है। अब देखिए हम पहले साल की कैलकुलेट कर रहे हैं यानी फोर्थ ईयर की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 78,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10, तो 4 जो है वो फोर्थ वाला है और 10 जो है हमारे पास सम है। तो यहां पे देखें 78,000 + 4 = 10, 31,200 जो है हमारे पास पहले साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर भी वही आ जाएगा। अब देखें हम सेकेंड ईयर के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेकेंड ईयर की जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे देखें 78,000 × 3 / 10, तो यहाँ पे देखें 23,400 जो है वो हमारे पास आंसर आ गया, डेप्रिसिएशन आ गई। जब हमने 31,200 को एड किया 23,400 के साथ तो हमारे पास 54,600 जो है वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। अब हम क्या करेंगे थर्ड ईयर की कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पे देखें थर्ड ईयर जो है उस पे हमारे पास 2 आ रहा है, 78,000 × 2 / 10, तो यहां पे देखें हमारे पास 15,600 जो है वो डेप्रिसिएशन आ गई। 54,600 के अंदर जब हमने 15,600 जमा किया तो 70,200 जो है वो हमारे पास एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। इसके बाद हम आखिरी साल की कैलकुलेट करेंगे फोर्थ ईयर की। इसके बाद हमारे पास देखें कोई ईयर नहीं बचता, तो हमारे पास देखें 78,000 × 1 / 10, तो 78,000 हमारे पास जो है वो जवाब आ जाएगा। 70,200 के साथ हम जमा करेंगे हमारा 7,800 जो कि डेप्रिसिएशन है, तो 78,000 जो है वो हमारे पास टोटल हो जाएगा। और आखिर के अंदर टोटल भी दिया हुआ है जो कि हमारे पास 78,000 है और 2,000 जो है वो रेजिडुअल वैल्यू, तो 80,000 हमारी मशीन की कॉस्ट जो है वो पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपना सम ईयर डिजिट मेथड यूज करते हुए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है मैंने जो आप लोगों को डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इतने फोकस के साथ, इसमें से आपका बहुत कुछ एग्जाम के अंदर भी आने वाला है। इसको आप केयरफुली पढ़ें और जो एक्सरसाइजेज मैं आपको देता हूँ वो भी आप ठीक से करें। बल्कि मैं तो आप लोगों को अगले लेक्चर के शुरू में उसका सोल्यूशन भी दिखाता हूँ ताकि अगर किसी ने कोई गलती की है तो वो उसको सेट कर ले। दोस्तों अगली स्लाइड के ऊपर अभी जो है मैं आपको एक्सरसाइज देने वाला हूँ आज की क्लास की। तो यहाँ पे देखे कास्ट ऑफ एफर्ट जो है ये एक्सरसाइज वही है और ये तकरीबन हमारी चलती ही रहेगी जब तक हमारा डेप्रिसिएशन का चैप्टर खत्म नहीं हो जाता।
आप इसको एक ही बार नोट कर लें और हर बार जो है इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूं मैं। आप इसके अंदर देखें, कास्ट ऑफ एसेट 2,20,000, रेसिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ जो है वो 5 ईयर है, तो हमने सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के जरिए जो है वो डेप्रिसिएशन। आप सम कैसे लेंगे, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो इस तरीके से आप सम लेंगे और फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। एक छोटा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है, आगे की जो सारी कैलकुलेशन है वो आप मुझे उम्मीद है खुद से कर लेंगे। दोस्तों ये हम क्लास जो है आज की यहीं पे खत्म करते हैं और एक बार समराइज करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा जो डेप्रिसिएशन का तीसरा मेथड है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, उसके बारे में पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को ये मेथड समझ आ गया होगा और आप एक्सरसाइज भी अगली क्लास में आने से पहले कर लेंगे। दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग की उम्मीद है ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है आपने लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कमेंट किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन हो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो रिकॉर्ड करता रहूं। मेरा चैनल 24/7 टीचर फॉर लाइफ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वाइफ वाला होम्स का यूट्यूब चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिल सके। दोस्तों इसी तरह दुआओं में मुफिन भाई को याद रखिए। मिलते हैं अगली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।